और अरेंज मैरिज मुझे करनी नहीं है। कौन किसी को ऐसे जीरो से जाएगा? ग्राउंड लेवल पे थोड़ी हटा दोगे? लीक कर दिया यार। गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा, बिग बॉस 17 स्टार्ट होने से पहले काफी ज्यादा हाइप बनी हुई थी कि कीर्ति मेहरा बिग बॉस 17 में जाने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। पर गाइस कीर्ति मेहरा ने अपने 6 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में एक क्यून ने वीडियो बनाई है, जिसमें मैक्सिमम लोगों के ये सवाल थे कि क्या आप बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हो। इस सवाल पर कीर्ति मेहरा ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आप बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड जा रहे हो क्या? मैं एज अ वाइल्ड कार्ड नहीं जा रही। हां पहले हमारी कन्वर्सेशन जो थी वो ओटीटी और इस वाले में चल रही थी, बट वो उतना उस मुकाम पे नहीं पहुंची तो वो ऐसा ड्रॉप हो गया। बट नो बिग बॉस एज ऑफ नाउ, आगे का नहीं पता मेरे को, आगे का जा सकती हूं मैं। और वहीं गाइस काफी सारे फैंस ने कीर्ति मेहरा की शादी को लेकर भी सवाल पूछे थे और उनसे पूछा था कि आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज, तो इन्होंने इस सवाल पर क्या कहा। कीर्ति भी आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? देखो मन तो मेरा बहुत ज्यादा लव मैरिज करने का है, बट लव मैरिज की मुझे अपनी लाइफ में स्कोप दिखने बंद हो चुकी है और अरेंज मैरिज मुझे करनी नहीं है। कौन किसी को ऐसे जीरो से जाने अनजान को, तो अरेंज मैरिज नहीं करनी। लव मैरिज का भी स्कोप नहीं है तो शादी का भी कोई स्कोप। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा, एक टाइम पर एलबी यादव के निगेटिव पीआर वाला मुद्दा काफी ज्यादा पीक पर था। तो गाइस एलबी यादव अभी के टाइम पर इंदौर इवेंट पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक बार और निगेटिव पीआर वाले मुद्दे पर बात की। ग्राउंड लेवल पे थोड़ी हटा दोगे? नहीं कर सको, पैसा ही तो भूख सको तुम, ये कहां से खरीदोगे, ये प्यार कहां से खरीदोगे? बिग बॉस 17 का सेकंड वीक का बॉस मीटर चालू हो चुका है, बट जैसा कि आपको पता ही होगा फर्स्ट वीक का बॉस मीटर जीत चुके थे अनुराग भाई। शुरुआत में तो ये काफी पीछे चल रहे थे मुनव्वर फारूकी से, इनको तब एलबी यादव और कटारिया ने भी सपोर्ट किया था सिमिलरली अनुराग भाई की तरह, जिसके लिए अनुराग भाई के छोटे भाई कलमिक ने एलबी और कटारिया को धन्यवाद किया। कुछ चीजें जो मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहूंगा, बट पहले थैंक यू सो मच हर उस एक बंदे का, थैंक यू ब्रोस नीना, थैंक यू एलविश भाई, कटारिया भाई जो सामने से जितने भी यार मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, तो जितने भी लोग सपोर्ट करने आए थे उन सबको दिल से शुक्रिया। मेरे को बताया गाइस अंकित बयानपुरिया का अभी के टाइम पर एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सलमान खान या शाहरुख खान, जहाँ पर अंकित भाई क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए। सलमान खान या शाहरुख खान? साराभाई जोगिंदर इस बार गए थे रोडीज में, जहाँ पर उन्होंने एलबी यादव को लेकर काफी कुछ झूठ बोल दिया। इसके बारे में खुद एक और अदर रोडीज कंटेस्टेंट ने एलबी यादव को ये बताया, जिसके बाद एलबी यादव और उनके दोस्तों ने जोगिंदर को एक बार और फिर एक्सपोज कर दिया। अरे हाँ भाई एक चीज बता रहा, मुझे अभी नई चीज नई खबर पता लगी भाई, बताओ ना एक बार। आपके ताऊ के लड़के वहाँ पे मिले थे। अच्छा जोगिंदर ताऊ का हो गया? आपके ताऊ के लड़के, आपके मौसी के लड़के, हमको पता ही नहीं। भाई कह रहा है कि जोगिंदर ने भाई को बोला अंदर रोडीज में कि मैं उसका ताऊ का लड़का हूँ। और क्या क्या बोला? और क्या क्या बोला उन्होंने? मतलब वही कि आप कह रहा कि एलविश तो मैं सिस्टम के नीचे रहा, फोन करो ना वैसे करते हैं। ये चीज नहीं बोली थी, बट ये बात होती थी हमारी, तो ये बोलता था कि एलविश भाई वैसे दुश्मनी नहीं है हमारी। अच्छा तो ऐसे कॉल पे बात करे, तू वीडियो बना हमें तेरे को रोस्ट करो। अबे जोगिंदर, अबे जोगिंदर, मतलब एलिगेशन लगाएगा हम पे मुझे पहले से पता था, बट आज तुमने कंफर्म कर दिया कि जोगिंदर बहुत डरपोक हो गया। और गाइस फाइनली काफी टाइम के बाद आज आपको राउंड 2 हेल की न्यू वीडियो का टीजर देखने को मिलेगा। इसके बारे में खुद राउंड 2 हेल वालों ने अपने फैंस को ये जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके दी। और गाइस वहीं आपको बीवी की वाइंस पर न्यू एपिसोड जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इनकी इंस्टा प्रोफाइल पर जाकर देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा न्यू एपिसोड लोडिंग। तो गाइस बस इतना ही, अगर जो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।